वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रियंका सिंह, आप लोग देख रहे हैं प्रियंका सिंह 555। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या किसी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है। नॉर्मली विंटर में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। नॉर्मल जिसकी स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है या जिसकी ड्राई स्किन होती है, सबकी स्किन कहीं ना कहीं ड्राई रहती है, लेकिन किसी किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। चाहे किसी भी मौसम में उनकी स्किन ड्राइनेस हमेशा बरकरार रहती है, स्किन पे चमक नहीं रहती है। और ड्राइनेस की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं स्किन पे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर इसे बनाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, घर में अवेलेबल का एक मिनट के अंदर आप इसे रेडी कर सकते हैं और अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं और अपने ड्राई स्किन की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ईजी है और इसे बनाने के लिए जो चाहिए ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए देख लेते हैं। इसमें हम लेंगे मिल्क, छोटे चम्मच से मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मिल्क लिया है, केसर के कुछ रेसे, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। पूरी अच्छी तरीके से घुल मिल जाना चाहिए। आपको अगर इस फेस पैक को अप्लाई करना है उसके आधे घंटे पहले अगर आप इसे बना ले तो बेहतर रहेगा। आधे घंटे पहले आप दूध में, कच्चे दूध में आप केसर के कुछ रेसे को भिगो के रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरीके से, जो केसर के अंश है, अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। और जब ये अच्छी तरीके से घुल मिल जाएगा तो इसकी कलर कुछ येलो कलर की हो जाएगी। देखिए इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अच्छी तरीके से केसर और मिल्क अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे कॉटन की सहायता से। आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है, कॉटन की सहायता से अपने फेस पे अप्लाई करना है कुछ इस तरीके से। ये हमारा फेस पैक बन के हो चुका है रेडी। 15 से 20 मिनट बाद अपने फेस पे जो पैक लगाए हैं उसे हल्के गुनगुने पानी से क्लीन कर लीजिएगा। उसके बाद कोई मॉइस्चराइजर जो आपकी फेवरेट हो अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो उन ड्राई स्किन वालों के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपकी स्किन अगर ड्राई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा और आपको अच्छा लगेगा और आपके इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।